अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, ईद उल अज़हा का चांद नज़र आ गया है। ईद होगी 17 तारीख को। सरकारी मुलाजमीन को कितनी छुट्टियां मिलेंगी और तनख्वाह और पेंशन एडवांस मिलेगी या नहीं, इस वीडियो में इसी बात का तज़किरा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको बेहद मुबारक हो कि ईद उल अज़हा का चांद नज़र आ गया है और मुल्क पाकिस्तान में 17, 18 और 19 जून को ईद उल अज़हा मजहबी जोश व खरोश से मनाई जाएगी। और जहाँ तक छुट्टियों की बात है तो काफ़ी महकमे तो गर्मियों की तातीलात मना रहे हैं, उन्हें तो छुट्टियां हैं ही। ताहम बाकी महकमों में 15, 16, 17, 18 और 19 यानी 5 छुट्टियां दी जाएंगी। फेडरल में चूँकि हफ्ता और इतवार को छुट्टियां होती हैं, लिहाजा उनकी ये 5 छुट्टियां बन जाएंगी, वरना ईद के लिए 17, 18 और 19 तारीख की तातील रखी गई है। सोमवार, मंगल और बुध ये अयाम बन रहे हैं। इसके अलावा कुछ सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर हज़रात मुतजस्सस थे कि क्या उन्हें पेंशन और तनख्वाह ईद से पहले मिल जाएगी। तो इस ज़मन में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कानून तो आपके सामने है कि अगर 21 से 31 के दरमियान में कोई सरकारी इवेंट या तकरीब आ रही हो तो तब तो मिल जाया करती है तनख्वाह, लेकिन अब चूँकि 17 तारीख को ईद बन रही है तो ये हुकूमत की स्वाबदीद है कि वो पेंशन तनख्वाह एडवांस दे या ना दे। ताहम इस हवाले से सोशल मीडिया पर यही रिपोर्ट्स चल रही हैं कि 2 या 3 दिन कबल ईद से एडवांस तनख्वाह मिल जाएगी। ताहम अभी ये बात कंफर्म नहीं है, ऑफिशियल नहीं है।